अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद रमजान। आज जो है सुबह के तकरीबन ये समझो कि 4 बज रहे हैं और हम लोगों का प्रोग्राम है बागियों की तरफ। बागियों कुछ यहाँ से 150-200 किलोमीटर के फासले पर है, बड़ी बेहतरीन जगह है। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से, इंशाल्लाह मजा आएगा। वीडियो क्लिप जूते पहनने हैं, जूते मैंने पहन लिए हैं, रूम भी लॉक कर दिया है, चलते हैं हम भी आगे की तरफ। बस गाड़ी खड़ी है, अब निकलते हैं सर। गाड़ी रेडी है, बस निकलने ही करते हैं। ये यहाँ की रोड की सिचुएशन है। सुबह के 4 बज रहे हैं मेरे भाइयों। ये कौन दूर तक जाइए, 61। ट्रैफिक यहाँ पे जाम हो गया है, कुछ वजह समझ में नहीं आ रही है। लोग गाड़ियों से उतर उतर के सिचुएशन देख रहे हैं क्या हो गया है। ये दोस्तों पहाड़ों के नज़ारे हैं, इस वक्त तो बिल्कुल अंधेरा है, सुबह के तकरीबन 4:30-5 बज रहे हैं। और ये यहाँ के अभी शॉप्स वगैरह अभी से ही ओपन हैं, क्योंकि ये यहाँ पर टूरिस्ट लोग जो हैं बहुत जल्दी ही उठ जाते हैं और अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। नज़ारे बड़े ही खूबसूरत होंगे। ये एक किनारे में बड़ा लाइन बना हुआ है और लोग इस तरह तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी जितने आने वाली वीडियोज़ हैं सबका नोटिफिकेशन आए। तो चलिए वीडियो एंजॉय करें। सर्दी ही इंतहाई है, कान भी बंद किए हुए हैं, नाक भी बंद की हुई है, चेहरा भी बंद किया हुआ है, जैकेट भी पहनी हुई है। ज़बरदस्त सर्दी है, बगैर जैकेट के यहाँ पे गुजारा मुश्किल है। हर बंदे ने जैकेट पहनी हुई है। टेम्परेचर ठीक ठाक नीचे होगा यहाँ पे, मेरे तो समझो कम से कम भी 8 या 10 होगा, 7 होगा, इतने के अंदर होगा टेम्परेचर। ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है मेरे साथ है। सुबह के तकरीबन 6 बज चुके हैं और हमें तकरीबन पूरे 2 घंटे हो गए हैं पूरे रास्ते में, और सूरज जो है अभी बस निकलता जा रहा है। जैसे निकलता जाएगा जो है यहाँ पे अंधेरा जो है ख़त्म होता जाएगा। आपके सामने है, ठंड ज़्यादा है, वही मरी वाली कहानी है यहाँ पे, जितनी सर्दी जो है मरी में थी। लास्ट टाइम गए थे जब आप जो है बारिशों के टाइम में जाओगे, बर्फ़बारी से पहले वही ठंड आप यहाँ पे महसूस करोगे। यहाँ पे अंदर से जो है वही क्रिसमस लाइटें अभी भी स्टार्ट है यहाँ पे, क्योंकि आज 26 तारीख है, तो कल क्रिसमस डे था। मज़ा आ रहा है, हर बंदे ने जैकेट पहनी हुई है, सर्दी है ना, जैसे मैंने आपको बताया है। आपको दिखाता हूँ क्रिसमस के बाकियों का, सेंटर में जो है ये किले, अच्छा इस झील के अंदर जो है वो भी है, क्या बोलते हैं, कश्तियाँ भी बनी हुई है, आप खुद चला सकते हैं, आप खुद उसको राइड कर सकते हैं। टूरिस्ट जो है सुबह 6 बजे देखे यहाँ पे, अभी पार्कों में हर जगह में कितना रश हुआ पड़ा है, ये देखे आप कितना रश हुआ पड़ा है लोगों का, हर जगह फुल। अच्छा लोग जो है वो हेमे भी लेकर आए हुए हैं यहाँ पे,
और काफ़ी लोगों ने हो सकता है रात भी यहाँ पे खेमे में ही गुजारी होगी, क्योंकि हो सकता है होटल वगैरह फुल हो, जगह नहीं होगी होटल में। मेरे ख्याल में यहाँ पे इजाज़त है कैंपिंग वगैरह करने की, इजाज़त है यहाँ पे। कितने सुबह सुबह लोग यहाँ पे देखे जमा हो जाते हैं, हमारे इधर तो तकरीबन 8, 9, 10, 11, 12 बजे उठेंगे लोग आराम से। यहाँ पे सुबह 6 बजे 7 बजे आपको सब कुछ फुल मिलेंगे तकरीबन, इस तरीके से।